मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको मेरा। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। क्या बच्चों, मैंने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? क्या है? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता क्या है। बच्चों, कितने ऐसे इंडिपेंडेंट वेज हो सकते हैं किसी गैस मोलेक्यूल के लिए? कितने ऐसे इंडिपेंडेंट वे जो हो सकते हैं किसी गैस मोलेक्यूल के लिए जो मूव कर सकता है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, कितने इंडिपेंडेंट वेज हो सकते हैं जिसमें गैस मोलेक्यूल मूव कर सकता है? इंडिपेंडेंट, अगर एक्स में मूव किया वाई जेड से मतलब नहीं है, अगर वाई में मूव किया उसको एक्स जेड से मतलब नहीं है, अगर जेड मूव कर रहा है उसको एक्स वाई से मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट वेज, एक्स मूव कर रहा है कोई मतलब नहीं वाई जेड से, वाई मूव कर रहा है कोई मतलब नहीं एक्स जेड से, जेड मूव कर रहा है कोई मतलब नहीं एक्स वाई से। इंडिपेंडेंट वेज मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ये पूरा अभी का समय मुझ पर डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट, किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंट वेज, इंडिपेंडेंट वेज, कितने इंडिपेंडेंट वेज हो सकते हैं? तो क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं बोल सकता हूं क्या बच्चों? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बोलो, इंडिपेंडेंट वेज, वेज इन विच मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव, मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव। ये बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, कितने इंडिपेंडेंट वेज हो सकते हैं जिसमें गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, मूव करता है। तो बच्चों, इसको पहले आप नोट करें और फिर हम बात करते हैं कितने तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। बच्चों चलो मैं मिटा रहा हूं। बच्चों तो बच्चों, तीन तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तीन तरह के क्या होते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। या बच्चों, मैंने क्या कहा? टाइप्स। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा? टाइप्स। मैंने क्या बोला? टाइप्स, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोलो, पहला बच्चों होता है, पहला जो होता है वो होता है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम। बच्चों क्या लिखे? फिर हटा दो, जगह बना के लिख दो। देखो पहला बच्चों है हमारा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों शॉर्ट फॉर्म है टी डी ओ एफ, टी डी ओ एफ, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा बच्चों, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बच्चों? रोटेशनल। क्या बोला? रोटेशनल डिग्री ऑफ ऑफ फ्रीडम। सो क्या बोलेंगे? आर डी ओ। और तीसरा है बच्चों वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल। सर क्या बच्चों? वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ
ऑफ फ्रीडम। वी डी ओ बच्चों बता दो बच्चों कि जो वेबसाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये सिर्फ हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, ओनली एट हाई टेम्परेचर। और हम लोग बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पर, ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो ना टेम्परेचर बहुत लो हो। हम लोग यही दो बच्चों बात करें। तो लिख लें यहां पर कि जो हमारा बच्चों जो नोट करके लिख लो, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ओनली एग्जिस्ट्स एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर एट मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट समझ आ रहे बच्चों, एट मॉडरेट टेम्परेचर्स, ना हाई हो ना लो हो, एट मॉडरेट टेम्परेचर ओनली ये दोनों बच्चों ट्रांसनेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट। तो बच्चों इसको नोट कर लेने का, घेर लेने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घेर लीजिए इसको, समझ रहे ना। तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जब होता है बहुत हाई टेम्परेचर होता है, हम लोग बेसिकली बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स मॉडरेट टेम्परेचर पर। तो जो मॉडरेट टेम्परेचर पर हम लोग सिर्फ देखते हैं क्या कि दो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, एक ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो समझ रहे हो, ट्रांजिशनल ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन ऐसे, रोटेशनल रोटेट कर रहा है, वाइब्रेशनल वाइब्रेट कर रहा है। ये तो वाइब्रेट खत्म कर दो इसको, तीसरा खत्म, यही हमको दो देखना है। तो हम देखेंगे कि मोनोटॉमिक गैस का अगर मॉलिक्यूल है कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ठीक है। फिर देखेंगे कि डायटॉमिक के लिए क्या होता है, फिर देखेंगे पॉलीटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, पॉलीटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है। पहला देखेंगे मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए, फिर देखेंगे डायटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल के लिए, फिर देखेंगे हम पॉलीटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल के लिए। बच्चों आप इसको नोट करें फटाफट, साफ आ रहा है बिल्कुल बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा बच्चों आइए, अब बच्चों बात करते हैं अलग अलग केस, अलग अलग टाइप, देखते हैं क्या क्या होता है। बच्चों याद हो जाएगा अभी कंसेप्ट, ये कहोगे वाओ सर क्या पढ़ाया आपने, ओफ ओफ, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, हम बात करते हैं बच्चों फॉर मोनोटॉमिक गैस के लिए, मोनोटॉमिक गैस होने वाले गैस। अगर इसके लिए बच्चों बात करते हैं कि अगर मोनोटॉमिक गैस है, अगर इसका कोई मॉलिक्यूल है बच्चों, तो ट्रांसनेशनल एंड रोटेशनल कितना हो सकता है। बच्चों देखो, अब जैसे मोनोटॉमिक गैस है, हीलियम हुआ, हीलियम इज अ मोनोटॉमिक गैस, एक मॉलिक्यूल में एक एटम होगा। तो ये मान लो कि हीलियम है मॉलिक्यूल है, इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो जो ट्रांसलेशन कितना हो सकता है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अगर एफ इंडिकेट करें हम, ठीक है, तो एक्स मूव कर सकता है अलोंग बच्चों वाई मूव कर सकता है, और अलोंग बच्चों क्या हो सकता है, जेड मूव कर सकता है, कोई दिक्कत। तो अलोंग एक्स अलोंग वाई अलोंग जेड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ मुझे कि इसके अंदर जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, आप मुझे बताओ, या तो एक्स मूव करेगा तो वाई में, तो जेड में, तीन हो जाएंगे, वेरी सिंपल। ट्रांसलेशनल का मतलब क्या हुआ, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन, सीधे एक्स में मूव कर गया, ये वाई में या तो जेड में, ये तो करेगा ही करेगा, कोई मॉलिक्यूल हो ये तो ऑलवेज थ्री होगा। पर तो रोटेशनल कितना होगा बच्चों, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर जीरो हो जाएगा। अब सुन लो, रोटेशन में और स्पीड में क्या अंतर होता है। अगर कोई एटम या अगर कोई मॉलिक्यूल के थ्रू एक्सिस होके जाती है, उसको कहते हैं इंटरनल एक्सिस। दो अपर्चर एक्सिस होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। अगर इसके थ्रू होके कोई एक्सिस जा रही है उसको कहेंगे इंटरनल एक्सिस, अगर इस मॉलिक्यूल के थ्रू होके कोई एक्सिस जा रही है तो इंटरनल एक्सिस।
रोटेशन होता है अबाउट ओनली एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सिस, रोटेशन हमेशा होता है अबाउट एक्सटर्नल एक्सिस। देखो पृथ्वी अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सूर्य का जो एक्सिस होगा वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के लिए एक्सटर्नल एक्सिस हो जाएगा। सूर्य के चारों तरफ क्या हो रही है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। समझ पा रहे हो बच्चों? तो देखो यहां पर टर्नल डिग्री फ्रीडम कितना हुआ, तीन, रोटेशन कितना हुआ, जीरो। रोटेशन कितना, देखो ना एक्स भी इससे पार कर रहा है, वाई से, वाई भी इससे पार, जेड भी, कोई इसके पास एक्सटर्नल एक्सिस बच्चों नहीं है, कहां है, इसे एक्स पार कर रहा है, वाई भी और जेड भी। देयर इज नो एक्सटर्नल एक्सिस। याद करो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्पिन रोटेशन में, स्पिन अपने एक्सिस के अराउंड होता है, स्पिन स्पिन हो रहा है, स्पिन इज पॉसिबल नॉट रोटेशन। रोटेशन हमेशा होता है एक्सटर्नल एक्सिस के अराउंड, रोटेशन हमेशा होता है एक्सटर्नल एक्सिस के अराउंड। ये एक्सिस इससे पार कर रहा है, स्पिन कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता। तो बच्चों अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ मान लें, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम बच्चों एफ मान लें, तो एफ कितना हो जाएगा बच्चों, तो जोड़ो जोड़ दें तो 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3। तब याद रखेंगे बच्चों कि मोनोटॉमिक गैस अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उस केस में जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो कितना होगा, 3 होगा। तो याद हो जाएगा बच्चों, 3 क्या हुआ ट्रांसलेशनल, 0 क्या हुआ रोटेशनल, 3 + 0 क्या आ जाएगा, 3 के बराबर कितना बच्चों आ जाएगा, 3 के बराबर। तो 3 + 0 कितना बच्चों हो गया, 3। समझ आई बात, ट्रांसलेशनल लॉन्ग एक्स लॉन्ग वाई लॉन्ग जेड मूव कर सकता है, 3 हो सकता है, देखो इंडिपेंडेंट वेज एक्स में भी वाई में भी जेड, लेकिन रोटेशन कैसे हो गया यार, कोई देखो ना इससे एक्स भी पार किया वाई भी जेड पास किया, तो जो एक्सिस इसके थ्रू पास कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एक्सिस बोलते हैं। इंटरनल एक्सिस के अराउंड स्पिन हो सकता है, रोटेशन नहीं होगा। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 + 0 कितना बच्चों आ गया, 3। तो पहला केस बच्चों हो गया मोनोटॉमिक गैस के लिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, आइए जल्दी से नोट करिए। गया बच्चों नोट कर लिया आपने, मिटा दो इसको। चलिए फ्लो में आदमी बढ़ता जाता, चलो अब बच्चों बात करते हैं किसके लिए, डायटोमिक। यस बच्चों बहुत बढ़िया, अब बच्चों बात करते हैं किसके लिए, अब बात करते हैं फॉर डायटोमिक। अब खुद बताओगे तुम अगर समझ गए हो तो, अब बच्चों बात करते हैं किसके लिए, फॉर डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस। एक मॉलिक्यूल में दो एटम, जैसे H2O2, ये सब बच्चों मॉलिक्यूल के लिए। तो देखें जरा, अब देखते हैं, तुम खुद ही बताओ जरा ट्राई करके, X हुआ ये बच्चों, Y हुआ और ये Z। अब यहां देखो H2 मॉलिक्यूल हुआ, ये सब देखो H2 मॉलिक्यूल हुआ, H2 मॉलिक्यूल, बच्चों H2 मॉलिक्यूल। अब खुद बताओ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों खुद बताओ यहां कैसे मूव करेगा, ये बताओ खुद से कि जो ट्रांसलेशनल होगा, जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, है बच्चों वो 3 होगा, एक्स वाई जेड 3 तो फिक्स है एकदम, एक्स मूव करेगा वाई मूव जेड मूव करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं रोटेशनल बच्चों तो कितना होगा, बता सकते हो मुझे, बता दोगे तो जान जाओ, पॉज करके बच्चों बताओ कितना रोटेशन हो सकता है। देखो इस मॉलिक्यूल के दोनों एटम के थ्रू एक्स एक्सिस जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इंटरनल एक्सिस हो जाएगा। यस मैंने क्या बोला, इन दोनों एटम से इस मॉलिक्यूल के थ्रू, यस दोनों एटम से एक ही एक्सिस जा रहा है ना, जो एक्सिस इसके थ्रू होके जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एक्सिस बोलते हैं। तो ये इंटरनल हो गया, तो यहां पर स्पिन हो सकता है, रोटेट कैसे होगा, वाई के थ्रू और देखो ऐसे जेड के थ्रू, मतलब वाई के अराउंड और जेड के अराउंड। देखो ये दोनों एक्सटर्नल एक्सिस हो गया, क्या हो गया, देखो इसे नहीं पार कर रहा है ना,
ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नलाइजेशन हो जाएगा। पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सिस पे, स्पिन कर रही है, लेकिन सूर्य के साथ रोटेट कर रही है, ध्यान देना, समझे। चलो तो रोटेशन मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, बता जल्दी से, 1+1 यस 2। टोटल मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, एफ को बोले थे 3+2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, ठीक हो गया टोटल 5, निकल गया डायटोमिक गैस के लिए भी। तो चलो नोट करो इसको, तो आसान हो गया। अब बात करते हैं इसके परटोमिक गैस के लिए, बात करें, हाँ बात करते हैं परटोमिक गैस। अच्छा अब बात करते हैं किसके लिए, फॉर पॉली एटॉमिक गैस। अब बच्चों यहां पर दो केसेस होंगे, एक केस होगा लीनियर मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। पहला हो जाएगा बच्चों लीनियर। अब ये तुम्हारा कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू क्लियर होगा, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, एसपी हाइब्रिडाइजेशन लीनियर है ना। चलो देखो अब यहां पर जैसे एग्जाम्पल CO2, CO2 गैस बच्चों देखो लीनियर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल दो सिग्मा बॉन्ड नो लोन पेयर, sp हाइब्रिडाइजेशन, इट इज लीनियर, याद रखना हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेगा। अब बच्चों आ जाओ यहां फिर से एक बार x y और ये हुआ z, बच्चों यहां रख देते हैं C3O, देखो तो जरा सेम केस हुआ, ये डायटोमिक वाला वही तो केस था बच्चों, इन तीनों सौ के एक्सेसिस पार कर रहा है, देख रहे हो ना, मतलब एक्स क्या हो जाएगा, इंटरनल एक्सिस हो जाएगा। सबसे पहले क्या बात करेंगे, ट्रांसनेशनल क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, अरे सर 3, कैसे, अरे एक्स में मूव किया, वाई में, जेड में बच्चों, वेरी इजी। अच्छा तो रोटेशनल कितना हो जाएगा, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 2, क्यों, एक्स तो एक इंटरनल एक्सिस हो गया, लेकिन वाई जेड देखो आराम से, वाई जेड के अराउंड, वाई के अराउंड ऐसे रोटेट करेगा, जेड कैसे रोटेट करेगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों ए बराबर कितना, 3+2 5 के बराबर, 5 के बराबर, मजा आ गया नहीं बच्चों। अब आते हैं यहीं पे दूसरा केस भी, आप देख लीजिए जल्दी से दूसरा केस बच्चों, देख लो आप, अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे सर, अगर आप बात करते हो नॉन लीनियर मोलिकूल के बारे में बात करते हो, तो बताओ मेरे को क्या होगा, नॉन लीनियर। अच्छा जैसे CH4 CH4 के बारे में बात करें, हम बात करें अगर CH4 के बारे में, ठीक है, जैसे बात करें CH4, तो बच्चा ऐसा CH4 होगा, बच्चा ऐसा होगा CH4 मोल को, देखो लाइक दिस, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, ये देखो। अब ये बताओ कि अगर हम इसको X माने, इसको Y इधर Z माने, इंटरनल एसिस है कोई मैं तो ऐसे, क्या ये मतलब CH4 के सारे एटम जो हैं क्या एक्स वाई जेड से पार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब यहां पर कोई इंटरनेसिस नहीं होगा, देखो ना मेरे भाई लोग, देखो इधर एक्स, इधर वाई, इधर जेड, कहा है, देखो 109°28′ होता है, ये एक्स वाई जेड 90° एंगल पे होता है, पता है ना, कहा है बच्चों, नहीं है, देखो ध्यान से बच्चों, देख पा रहे हो, देखो ध्यान से, ये CH4 का मॉलिक्यूल हुआ, दिस CH4 कोई इंटरनल एक्सिस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर कोई इंटरनल एक्सिस बच्चों नहीं है कोई इंटरनल एक्सिस, मतलब यहां कितने होंगे मेरे बताओ, एग्जांपल मैंने दे दिया वो CH4, अब खुद बता दो तुम जल्दी से, फॉर CH4 के एग्जांपल बताता हूं, चलो जल्दी बताओ। तो इसमें जो ट्रांसनेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो 3 होना ही होना है। अब जो रोटेशन भी कितना हो जाएगा, अरे एकदम सही बोले भी बच्चों, कितना हो जाएगा, 3 ही तो हो जाएगा, एक्स के थ्रू भी क्या करेगा वो रोटेट करेगा, वाई के थ्रू भी और जेड के थ्रू भी क्या करेगा रोटेट करेगा, एक्स के अराउंड रोटेट, वाई के अराउंड रोटेट, एक्स एक्सिस के अराउंड घुमा सकते हैं,
वाई के अराउंड घुमा सकते हैं, जेड के अराउंड घुमा सकते हैं, टोटल तीन बच्चों हो जाएगा। और टोटल बच्चों कितना हो जाएगा, डिग्री फ्रीडम हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, तीन प्लस तीन कितना हो जाएगा बच्चों, छह के बराबर कितना हो जाएगा, सिक्स का हो जाएगा। देख रहे हो, तो लीनियर लाने ले लिया। ओके बच्चों समझ आ गया। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए कितना बताया, मोनोटॉमिक गैस के लिए तीन, डायटॉमिक के लिए पांच, पॉली के लिए दो केस, पहला लीनियर के लिए भी पांच, लीनियर के लिए पांच, और नन के लिए कितना बच्चों आ जाएगा, छह आ जाएगा बच्चों। तो क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, मजा आ गया एकदम। इंटरनल एक्सटर्नल एक्सिस कैसा लगा बच्चों, आई होप कि आपको मजा आया होगा, बहुत सिंपल बच्चों। और इसके बाद का जो हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी पर कंसेप्ट, इस पे होगा बच्चों। फिर मैं आपको गामा बताऊं, गामा कैसे, सीवी कैसे निकलता है, सीवी क्या होता है, गामा क्या होता है, बहुत अच्छे कंसेप्ट बच्चों आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने फिर मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।